क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे YouTube चैनल कौशिक राइडर में। संडे फंडे, तो आज राइड तो बनती है। आज के राइड में मस्ती थोड़ी ज़्यादा होगी क्योंकि आज है सिटी राइड। तो आइए आज आपको दिखाते हैं बनारस के रास्ते और सड़कें कैसी हैं और कैसी यहाँ के ट्रैफिक संडे के दिन। तो आइए शुरू करते हैं राइड। आज के राइड में है तीन बाइक्स, तीनों हैं एडवेंचर बाइक, जिसमें कि पहली है अपनी कावासाकी की वर्सेस, दूसरी है BMW की रैली एडिशन और तीसरी है BMW की एडवेंचर। तो आज मस्ती कुछ ज़्यादा होगी रोड के ऊपर और अपना वेट कर रहे हैं श्याम भैया और शैलेंद्र भैया, तो चलते हैं उनके पास और राइड करते हैं स्टार्ट। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें कि आगे इसी तरह अपनी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो हम लोग पहुँच गए हैं शैलेंद्र भैया के घर के पास और नीचे वो लोग अपना वेट कर रहे हैं। और ये देखिए महंगी बातचीत स्टार्ट होती है। कैमरे के सामने हाथ मिलाना जरूरी है क्यों लग रही ना महंगी बातचीत। एक तरफ BMW के एडवेंचर तो सामने ही है वर्सेस, और ये देखिए एक और BMW रैली एडिशन, ये है फुल्ली लोडेड। इसमें काफ़ी सारी एसेसरीज और सेंसर गार्ड लगे हुए हैं, इसकी डिटेल वीडियो आराम से। ये है सुंदरपुर रोड और हमारे पीछे है नरिया होते हुए बीचू जा सकते हैं इसी रोड से। और आगे जो आप लेफ्ट साइड में भीड़ देख रहे हैं, ये मिठाई की शॉप है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है बंगाल स्वीट हाउस। और इसकी भीड़ देख के आप समझ ही सकते हैं इसकी मिठाइयाँ कैसी होंगी। और ये देखिए राइट साइड में आपको पुलिस स्टेशन दिखेगा अपना, और ये है तेरहा सुंदरपुर का। और यहाँ यूजली काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, काफ़ी ट्रैफिक होता है, लेकिन आज संडे है तो ट्रैफिक थोड़ा कम है। और यहाँ पे काफ़ी फेमस स्कूल है सेंट जॉन्स, ये जो रेड कलर के आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये है सेंट जॉन्स DLW ब्रांच। इसकी एक और ब्रांच है मड़ौली में भी और काफ़ी अच्छा स्कूल है वैसे यहाँ का फेमस। और ये हम लोग सीधा जा रहे हैं आज बाबतपुर के लिए। ये हम लोग गलत आ गए, हम लोग को लेना था ऊपर फ्लाईओवर, DLW का ये फ्लाईओवर है और हम लोग आगे से लेंगे यू टर्न। और ये देखिए दोनों साइड काफ़ी ज़्यादा अच्छी पेंटिंग है, ये भी आप देख सकते हैं। और फ्लाईओवर के नीचे ही गाड़ियाँ पार्क होती हैं, पार्किंग के लिए तो अच्छा है, लेकिन अब यू टर्न के लिए हम लोग को जगह बना के देखना होगा हम लोग की बाइक्स कहाँ से निकलती है। और इधर देख रहे हैं आप पार्किंग, पार्किंग के लिए काफ़ी अच्छा, इधर से नहीं निकलेगी, यहाँ से निकल सकती है, ट्राई करते हैं। अपनी तो निकल गई फाइनली। और ये देखिए ये है DLW का, तो ये है DLW का फ्लाईओवर, इसका आप देख सकते हैं हम लोग कैसे यू टर्न मार के वापस आए इस पुल पे, काफ़ी अच्छा पुल है। और इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा स्कूल हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे स्कूल हैं। एक स्कूल अपना आगे ही पड़ेगा, वो जो आपको बिल्डिंग एक दिख रही है लिटिल फ्लावर स्कूल है, ये काफ़ी पुराना ये भी है और काफ़ी फेमस। अब इन लोग को आगे बुलाया जाए, कहाँ हैं ये लोग, तो वीडियो थोड़ा और अच्छा दिखे। और काफ़ी अच्छा पुल, कहाँ हो श्याम भैया, आ गया हो, वाह इतनी स्पीड, चलो बढ़िया आता हूँ मैं भी। तो ये देखिए दोनों लोग अपना स्ट्रीट रेसिंग कर रहे हैं जैसे लग रहा है। संडे के वजह से रोड थोड़ी खाली है, इसके लिए हम लोग को स्पीड करने को मिल रही है। ये आप देख सकते हैं कितना मज़ा आ रहा है, ये फ्लाईओवर भी काफ़ी अच्छा है। नीचे से जाने में हालत हो जाती है क्योंकि ऑफ रोडिंग हो जाती है कुछ ज़्यादा ही, नीचे से काफ़ी रोड खुदी हुई है और ऊपर से जाने में हम लोग का टाइम काफ़ी ज़्यादा बचेगा। और रोड आप देख सकते हैं कितनी अच्छी, और ये देखिए कर्व, काफ़ी अच्छे अच्छे कर्व हैं। और यहाँ पे आपको थोड़ी सी संभलना होगा क्योंकि नीचे ट्रेन की पटरियाँ लगी हुई हैं तो बाइकें ज़्यादातर सरक जाती हैं, तो वहाँ पे अगर आप थोड़ा सा स्टैंड करके निकल जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए मैं आपको जहाँ बता रहा था वो ये जगह है, यहाँ पे आपको थोड़ा संभल के निकालना होता है क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ ज़्यादातर स्लिप होकर लोग गिर जाते हैं। और जो आप मेरे राइट साइड में देख रहे हैं बिल्डिंग्स और वो पूरा बना हुआ है, वो है यहाँ का नया मड़वाड़ी का पीछे वाला गेट है, ये है स्टेशन, रेलवे स्टेशन। और ये ऑटो वाला मुझे पास नहीं देगा, कोई नहीं अपनी पावर निकलेगी। ये देखिए जिप जाप जूम, और अब है आगे चौराहा मड़वाड़ी का। ये है लहरतारा रोड और आपको रोड के ऊपर काफ़ी कलर और काफ़ी खाली दिख रहा होगा क्योंकि यह है होली के बाद वाला संडे, इसीलिए आपको रोड के ऊपर भीड़ काफ़ी कम दिख रही है। और हम लोग आ चुके हैं लहरतारा फ्लाईओवर
और ये दोनों जो बाइक्स हमारे आगे है आपको काफ़ी ज़्यादा नैरो, काफ़ी ज़्यादा पतली और छोटी दिख रही होगी, क्योंकि इसमें अभी टॉप बॉक्स और साइड के बॉक्स नहीं लगे हैं पैनियर्स। ये जैसे ही हम लोग लगा लेते हैं तो सिटी में चलने में काफ़ी दिक्कत होती है पैनियर्स लगाने के बाद, क्योंकि बाइक पीछे से काफ़ी ज़्यादा बल्की हो जाती है और सिटी में काफ़ी दिक्कत करती है। जब भी हम लोग लॉन्ग टूरिंग करते हैं तो हम लोग बॉक्स लगा लेते हैं कि सारे लगेज हम लोग के ईजिली आ जाते हैं और ये आराम से बाइक में लग जाते हैं। और इन दोनों बाइक्स जो हम लोग के आगे चल रही है, अगर किसी की आपको डिटेल वीडियो चाहिए कि इसमें बाइक्स में क्या क्या एक्सेसरीज लगी है और कैसे मेंटेन होती है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। सिटी में बाइक चलाने का मज़ा ही कुछ और होता है, यह आप देख सकते हैं आज की वीडियो में, क्योंकि यहाँ पे पावर स्टीयरिंग काफ़ी ज़्यादा काम आती है, क्योंकि जगह कम में भी आराम से आप काट के निकाल सकते हैं बाइक को अपनी आगे। और ये देखिए हमारे शैलेंद्र भैया और श्याम भैया, काफ़ी मज़ा आ रहा है तीन लोग को हम लोग को बाइक चलाने में। और ये काफ़ी अच्छा पुल है, मैंने सुना था काफ़ी अच्छा बना है, आज हम भी देखते हैं और आप भी देखिए। और वैसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनी है और काफ़ी अच्छी रोड दिख रही है इसकी, काफ़ी अच्छा ये फ्लाईओवर, काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छा बना है ये फ्लाईओवर। ये आप देख सकते हैं यहाँ से हम लोग का रेलवे स्टेशन कैंट है जो दिख रहा है, काफ़ी सुंदर नज़ारे यहाँ से और काफ़ी क्लीन है, और इसको हमेशा अच्छा रखें, बनारस की जनता से अपील है। काफ़ी लंबा और काफ़ी अच्छा फ्लाईओवर था। और अभी हम लोग आ चुके हैं चौका घाट, ये है चौका घाट एरिया पूरा, और हम लोग इधर से सीधा होते हुए निकलेंगे और इधर हमेशा आपको रश और जाम काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, जैसा कि आज भी है। ये आप देख सकते हैं इसलिए हम राइट टर्न होकर नहीं जा रहे हैं, हम लोग सीधा होकर जाएंगे, यहाँ रश ज़्यादा है। तो मिलते हैं कुछ देर के बाद आगे। ये है कचहरी चौराहा और ये रोड आज इतनी खाली है, क्या संडे है, नहीं तो नॉर्मल डे में आप आते हैं वर्किंग आवर्स में, यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है क्योंकि रोड पे आधे से ज़्यादा पार्किंग होती है यहाँ पे गाड़ियाँ। तो यहाँ जब भी आएँ तो थोड़ा टाइम लेके आएँ, क्योंकि आपको रश मिलना ही मिलना है। और इसका एक साइड से रास्ता और आगे से भी आता है, वहाँ से जाएंगे तो आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव होगा, लेकिन यहाँ संडे है तो ये रोड पूरी खाली है। ये जगह तो आप पहचान ही रहे होगे क्योंकि मैंने यहीं एक वीडियो बनाया था बाइक वॉशिंग का, सबसे ज़्यादा कम पैसे में बाइक यहाँ वॉशिंग होती है इस जगह पे, मैं यहीं अपनी बाइक भी वॉशिंग कराता हूँ। और ये रहे, ये देखिए, ये रहे हमारे पॉलिश वाले भैया, ये काफ़ी अच्छे से पॉलिश करते हैं बाइक पे, और ये हमेशा मुझे पहचानते हैं जब मैं इधर से जाता हूँ, ये हाई करते हैं।